आइए हम जिस क्लास का इंतजार कर रहे बेसब्री से, ऐसे हमारे आदरणीय राजेश भाई जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका क्लास सुनेंगे। तो उनका क्लास सुनने से पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। बीके डॉक्टर राजेश भाई जी, उन्होंने वे वर्तमान समय में उनको अभी तो रेडियोलॉजी भी स्पेशलिस्ट है वे। रेडियोलॉजी, सीटी स्कैन और एमआरआई में उन्होंने उनके पास 20 साल का अनुभव है। आपने लौकिक में एमबीबीएस की डिग्री की है बॉम्बे से और एमडी इन रेडियोलॉजी की है नागपुर से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर। और आपने आपको फेलोशिप भी मिली है स्पोर्ट्स मेडिसिन में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथ कोरिया से। वर्तमान समय में भाई जी आप ओकाट हॉस्पिटल नासिक में एचओडी है, हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी सीटी स्कैन और एमआरआई के स्पेशलिस्ट भी है आप और कंसल्टेशन भी करते हैं। आपके पास नानावटी हॉस्पिटल मुंबई और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सियोल दक्षिण कोरिया में स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट के रूप में सेवा देने का अनुभव है। आपने अनेक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया है और आपने पेपर प्रेजेंट किए हैं और लगभग 8,000 से भी ज्यादा कैंसर पेशेंट्स के सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करके कैंसर का निदान आपने किया है। 8,000 ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और 10 से भी अधिक इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, मतलब। और नियमित रूप से होलिस्टिक हेल्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल, कैंसर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन और राजयोग मेडिटेशन, इन विषयों पर आप सेमिनार आयोजित करते आए हैं और सेमिनार भी करते आए हैं। भारत के अनेक ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आपने योग भट्टी के कार्यक्रम में क्लासेस और गाइडेड मेडिटेशन कराया है। यूरोप और अन्य विदेश के स्थानों पर अपनी आपने ईश्वरीय सेवाएं भी दी हैं। तो ब्रह्मा कुमारी बार्सिलोना स्पेन द्वारा आयोजित एक टीवी चैनल के सार्वजनिक टॉक शो में आपने टॉक दिया था। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ईश्वरीय सेवा दे रहे हैं आप और यूट्यूब में डेली गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं और अब तक लगभग 1,000 राजयोग मेडिटेशन कॉमेंट्री बनाई है जिसका लाभ लाखों भाई बहने ने लिया है। हम जानते हैं रोज नोटिफिकेशन आता है भाई जी का YouTube में, रोज उनका मेडिटेशन कमेंट रहता है और आज की मुरली के आधार से रहता है। पर मुझे लगता है रोज हजारों भाई बहन उसको सुनते हैं, कम से कम 3,000 भाई बहन तो सुनते हैं जितना मुझे पता है। तो रोज उनका 2-3 हजार भाई बहनों के लिए आत्माओं के प्रति सेवा होता ही रहता है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ईश्वरीय संदेश देने और सिंपल और प्रैक्टिकल हैप्पीनेस कोर्स भी आप लिखते हैं, तो वो कोर्स भी आप लिखते हैं और 3 भाषा में लिखते हैं। वो भी बहुत विशेष है कि आप इतना समय दे पाते हैं। बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में है और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आपका पूरा परिवार 44 साल से ईश्वरीय ज्ञान में है। आपके लौकिक बड़े भाई जीतू भाई जी 28 सालों से पांडव भवन मधुबन में समर्पित हैं। जो यूथ विंग के जीतू भाई जी है ये वे आपके लौकिक बड़े भ्राता हैं। और COVID-19 के दौरान रेडियोलॉजिस्ट और मेडिटेशन ट्रेनर के रूप में सेवा देने के लिए और कोविड पेशेंट का मनोबल बढ़ाने में मदद करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के ओर से आपको सम्मानित किया है। तो अब समझ सकते हैं भाई जी का सेवा कितना ऑलराउंड है और कितना व्यापक है। तो भाई जी आपका बहुत 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 स्वागत है इस हमारे छोटे से नंदी ले और ब्रह्म कुमारी नंदी ले आउट बैंगलोर और रात्रि क्लास की फुलवाड़ी में। तो आप अपने जो आज का टॉपिक है इसके ऊपर आप प्रकाश डालें भाई जी। वैसे भी थोड़ा क्लास लेट शुरू हो रहा है तो आप 5-10 मिनट एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आदरणीय भाई जी, ओवर टू यू। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी के बीच पहुंचकर बहुत खुशी हो रही है। देखिए, हम कभी भी
परिवार वालों से मिलते हैं और बहुत समय के बाद मिलते हैं लौकिक में भी, तो हर एक को खुशी होती है। तो हम सभी भी एक परिवार के हैं, एक ईश्वरीय परिवार के हैं, एक परमात्मा के, एक बाबा के बच्चे हैं। तो 5,000 साल के बाद आप सबको मिलते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो ये भी कितना बड़ा स्वमान है हम सब के लिए। तो स्वमान इस शब्द का अर्थ ही है स्व को मान देना, अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना। बाबा तो हम बच्चों को कितनी ऊंची नजरों से देखते हैं, सभी बच्चों को। बाबा जब आते थे या अभी अभी भी आते हैं, तो जो सामने वाली रो हो या लास्ट की रो हो, सबके लिए बाबा की नजर एक होती है। बाबा हमें कहते हैं कि आप सबसे महान आत्माएं हो, आप इस संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व परिवर्तक हो। तो इतनी ऊंची नजर से बाबा हमें देखते हैं, तो इतनी ही ऊंची नजर से स्वयं को देखना, स्वयं को मानना, उसकी अनुभूति करना, यही स्वमान है। अर्थात स्वयं के शुद्ध अभिमान में रहना, यही स्वमान है। देखिए, बाबा ने तो इसकी एक बहुत ही इजी व्याख्या बताई है हमें कि जो बाबा की महिमा है वही आपके स्वमान है। अर्थात बाबा सर्वशक्तियों के भंडार है, सर्वशक्तिमान है, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान है। बाबा इस जगत की सर्वोच्च अथॉरिटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है बाबा, तो हम भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा विश्व कल्याणकारी है, तो हम भी विश्व कल्याणकारी। तो जो भी बाबा की महिमा है वही हमारे स्वमान है। और बाबा ने हमें बहुत बार टाइटल्स दिए हैं, अनगिनत टाइटल्स आज तक बाबा ने हमें दिए हैं। यूं कहे तो हर मुरली में बाबा अनेकों टाइटल्स हमें देते हैं। देखिए, उन टाइटल्स की स्मृति में रहना, उनकी अनुभूति करना, यही स्वमान में स्थित रहना है। देखिए, जब बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू हुआ 69 में, तो शुरुआत में तो जब भी मुरलियां आने लगी तो मुरलियों में स्वमान वर्ड नहीं था। एक्चुअली जो साकार मुरलियों में हम देखते हैं कि आज वरदान आता है ना, तो उस जगह पे टाइटल्स ये नाम आता था, टाइटल्स अर्थात स्वमान, कि आज आपको इस स्वमान पर इस टाइटल को स्मृति में रखना है। तो और जो धारणा के लिए सार था, तो वहां पर फरमान करके वर रहा था ना, परमात्मा का आपके लिए फरमान है कि आपको ये बातें करनी है। तो लेकिन कुछ आत्माओं के लिए थोड़ा सा डर न लगे या फिर दिल शिकस्त न हो जाए, इसलिए फिर उसका नाम धारणा के लिए सार किया गया। वैसे ही जो टाइटल्स थे उसका नाम फिर बाद में धीरे धीरे स्वमान में परिवर्तन हुआ। हालांकि अगर हम अव्यक्त वाणियों का अभ्यास करते हैं तो 69 में 70 से ही स्वमान वर्ड ये बाबा ने यूज किया हुआ है, लेकिन बच्चों में टाइटल्स करके ज्यादा वर्ड जो था वो प्रचलित था। तो उन टाइटल्स के नशे में रहना, उनके स्मृति में रहना ही स्वमान में स्थित रहना है। तो जैसे बाबा ने सहज विधि बताई है स्वमान को प्रैक्टिस की, जैसे बाबा ने व्याख्या बताई है कि जो बाबा के महिमा है वही आपके स्वमान है, वैसे ही बाबा ने
बहुत ही इजी विधि भी बताई है कि कैसे हमें स्वमान का अभ्यास करना है, कैसे हमें योगाभ्यास करते हुए स्वमान के नशे में स्थित होना है, कैसे हमें स्वमान का स्वरूप बनना है। तो आज मैं जो भी आपको बोलने वाला हूं वो सब कुछ अव्यक्त वाणियों में बाबा ने पहले से ही बता के रखा है, मैं सिर्फ आपके आगे रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो जब भी हम स्वमान का अभ्यास करें तो सबसे पहली बात है कि हम उस स्वमान को दिल से एक्सेप्ट करें, दिल से स्वीकार करें। देखिए बाबा हमारे कितनी महिमा करते हैं कि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व परिवर्तक हो, आपके एक संकल्प का प्रभाव इस सृष्टि पर पड़ता है, आपके एक संकल्प से ही इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो आप इतनी महान आत्माएं हो, लेकिन क्या हम बाबा हमें जितनी ऊंची नजर से देखते हैं उतनी ही ऊंची नजर से हम स्वयं को देखते हैं ना? कि कई आत्माओं को ये भी लगता होगा ना कि हम कैसे विश्व की सेवा करें या कैसे हम विश्व सेवाधारी है या कल्याणकारी है, लेकिन बाबा कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते किसी को भी, वो भले फर्स्ट लाइन वाली आत्माएं हो या हॉल में लास्ट में बैठी हुई आत्मा हो, बाबा के सामने बैठी हुई आत्मा हो या विश्व के कोई भी कोने में बैठी हुई आत्मा हो, बाबा को मिली हुई हो या फिर बाबा को नहीं भी मिली हुई हो लेकिन बाबा से लगन हो, कोई 70 साल की आत्मा हो, व्यक्ति हो, या फिर कोई 7 साल का बच्चा हो, किसी आत्मा को ज्ञान में 70 साल हुए हो या फिर कोई 7 दिन का बच्चा हो, बाबा की नजर सबके लिए समान है, बाबा एक ही नजर से सबको देखते हैं। तो हम कभी भी ये ना समझे कि बाबा जो बोल रहे हैं ये औरों के लिए है, ये बड़ों के लिए है, ये महारथियों के लिए है, ये पुराने बच्चों के लिए है, नहीं, ये सबके लिए है। बाबा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट हम जा सकते हैं, तो एक दिन का बच्चा या 7 दिन का बच्चा भी पुरानी आत्माओं के आगे जा सकता है, ये स्कूल की, ये स्कूल कहो या फिर यूनिवर्सिटी कहो, इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम अगर आखिरी में भी आए हैं, लास्ट में भी आए हैं, तो भी हम फर्स्ट जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उस स्वमान को स्वीकार करना। बाबा ने जो हमारी महिमा की है, हमें जो टाइटल्स दिए हैं, उस टाइटल्स को स्वीकार करना, दिल से स्वीकार करना, ये फर्स्ट स्टेप है स्वमान के अभ्यास की। देखो लौकिक में भी आपने एक एग्जाम्पल जो है हिस्ट्री में सुना होगा, अभी कल ही राजा शिवाजी, इनकी जयंती थी, तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हिस्ट्री में स्वमान का, क्योंकि आप सभी जानते भी होंगे शायद कि जो शिवाजी थे उनके पिता शाहजी, ये निजाम के दरबार में, निजाम के राज्य के एक सरदार थे, एक जागीरदार थे, लेकिन राजा नहीं थे। लेकिन शिवाजी की जो माँ थी जीजा माता, उन्होंने बचपन में ही, है ना, 10-12 साल की उम्र में ही शिवाजी को ये स्वमान दिया, स्वाभिमान दिया, उनकी स्मृति जागृत की, उनका स्वाभिमान जागृत किया कि आप भविष्य के राजा हो, आपको हिंदवी राज्य स्थापन करना है, आपको प्रजा का राज्य स्थापन करना है। तो क्या हुआ फिर आगे, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया उस स्वमान को, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मैं बहुत छोटा हूं तो मुझसे इतना बड़ा काम क्या है ना कैसे होगा, इतनी लाखों की सेना है जो निजाम की, मुगलों की, तो मैं कैसे लड़ूंगा, नहीं। उनके माँ ने उनको सामने एक किला दिखाया कि इस किलो को आपको काबिज करना है, आपको कैप्चर करना है, क्योंकि आप भविष्य के राजा हो, आप प्रजा के राजा हो। तो उन्होंने 16 की एज में, आप सोच सकते हैं,
कि आजकल का 10वीं का बच्चा 16 की एज में उन्होंने फर्स्ट किला काबिज किया, तो कैप्चर किया। उसके बाद में तो हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट 360 जो किले हैं, फोर्ट्स है, उन्होंने कैप्चर किए या फिर बनवाए, और वो सही में प्रजा के राजा बने, उन्होंने एक हिंदवी राज्य स्थापन किया। तो देखिए कितना बड़ा महत्व है सोमान का, जो हिस्ट्री से भी हमें पता पड़ता है। तो शिवाजी को जो सोमान दिया वो उनकी माँ ने दिया, लेकिन हमें सोमान किसने दिया? हमें मात पिता ना, अर्थात बाप दादा या फिर शिव बाबा। स्वयं भगवान ने हमें स्वमान दिया है कि आप अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी आप राजा बनेंगे। जैसे शिवाजी का एग्जाम्पल है कि वो अपने स्वमान के सिंहासन पर बैठ गए कि मैं भविष्य का राजा हूं, तो उन्होंने मिस प्रजा ने उन्हें 40 मन सोने का सिंहासन बनवाया उनके लिए, और वो सही में उस सिंहासन पर विराजमान हुए और प्रजा के राजा बने कि आज तक उनका गायन होता है, उनको कितने फॉलो करने वाले हैं लोग हैं, क्योंकि वो सही में महान बने। तो हम भी अगर इस संगम युग पर अपने स्वमान के सिंहासन पर बैठते हैं तो हमें भविष्य में राज्य तख्त जरूर मिलता है। तो सबसे पहली बात जो है वो है स्वमान को दिल से स्वीकार करना कि मैं वही कल पहले वाला श्रेष्ठ आत्मा हूं, और बाबा भी वही कल पहले वाले मेरे बाबा है। तो जो बात हम बार बार करते हैं वो हमें इजी लगती है, तो हमने कल्प कल्प माया पर विजय प्राप्त की है, कल्प कल्प हम विजयी बने हैं, कल्प कल्प हम श्रेष्ठ बने हैं, परम पवित्र बने हैं, तो अभी भी हम परम पवित्र है और फिर से बनने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस हमें रहना चाहिए। तो अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं परम पवित्र हूं, ये अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम फिर कैसे परम पवित्र बन पाएंगे या संपूर्ण पवित्र बन पाएंगे या फिर देवता भी बन पाएंगे? तो सबसे पहली बात है कि स्वमान को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। फिर एक बार स्वीकार हमने कर लिया तो उस नशे में हमें स्थित होना है। जैसे रोहित भाई ने बताया ना कि मुझे नशा चढ़ा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो हमें उस नशे में स्थित होना है। तो देखिए जब हम उस नशे में स्थित होते हैं तो धीरे धीरे वो अनुभूति हमें होने लगती है। तो सबसे पहले तो हमने स्वीकार किया और फिर हम नशे में स्थित हुए। लेकिन एक बात है कि सिर्फ वो स्वमान को स्मृति में लाना और दूसरा है कि उसकी अनुभूति करना, दो अलग अलग बातें हैं। तो मेरे जीवन का मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इसके बारे में शेयर करना चाहता हूं कि देखिए मैं जहां पढ़ता था वो हमारे रीजन का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था, लेकिन उस स्कूल से कोई भी बोर्ड में या मेरिट लिस्ट में नहीं आया था। हालांकि मैं मेरे स्कूल में फर्स्ट आया करता था, लेकिन मुझे भी इतना मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मेरिट लिस्ट में आऊंगा। तो 9th के एग्जाम खत्म होते ही मेरे समर वैकेशन के जो क्लासेस है 10th के वो शुरू हुए, तो कुछ दिनों के बाद ही जो मेरे क्लास टीचर थे उन्होंने अचानक से बोर्ड पर मेरा नाम लिख दिया, पूरा नाम और वो भी, और कहा कि ये जो स्टूडेंट है ये मुझे गारंटी है कि ये स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आने वाला है। तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि सर ने ऐसे कैसे लिख दिया।
लेकिन उसका इफेक्ट ऐसा हुआ ना कि मेरे अगर क्लास टीचर को मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है ये बच्चा मेरिट लिस्ट में आने वाला है तो मैं आऊंगा। और फिर मैंने उस आधार पर ही मैंने मेहनत भी की और फिर मैं पूना बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आया और एक सब्जेक्ट में मैं पूना बोर्ड में मैंने टॉप भी किया था। तो देखिए लौकिक जीवन में भी स्वमान का कितना महत्व है। तो जैसे मैंने कहा कि पहले एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर फिर मेहनत करना, फिर पुरुषार्थ करना कहो आप, एफर्ट्स लेना कहो, ऐसे कर सकते हैं। तो हम जब एक सम्मान कोई भी लेते हैं तो उसका अर्थ हम समझे और फिर उसके ऊपर विचार सागर मंथन करें, मनन करें, तब ही हम उस नशे में स्थित हो सकते हैं। हम कुछ एफर्ट्स ले उसके लिए। बाबा तो कहते कि मेहनत नहीं करनी है, मेहनत मुक्त होना है, लेकिन पुरुषार्थ हम जरूर करें। देखिए एक बात है कि स्वमान, एक ही स्वमान सिर्फ स्मृति में लाना, फॉर एग्जाम्पल कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, एक बात कि सिर्फ स्मृति में लाए और फिर उसके अर्थ को समझे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो मेरे पास कौन-कौन सी शक्तियां है, मेरे क्या-क्या कर्तव्य है। तो अगर आज की भी मुरली अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसमें देखिए जो भी अव्यक्तवाणी है ना उसमें बाबा याद प्यार में समप करते हैं लास्ट में, कि जो भी टॉपिक्स बाबा ने कवर किए हैं वो याद प्यार में कवर करते हैं। उसे आप वरदान कर लीजिए, हाँ कह लीजिए, या फिर स्वमान कह लीजिए। तो आज जो याद प्यार दिया बाबा ने उसमें बाबा ने 5 स्वमानों का जिक्र किया है। तो जो फर्स्ट उसमें है वो है तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को। इसमें स्वमान क्या हो गया कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। लेकिन अगर हम सिर्फ यही बात लिखेंगे या स्मृति में लाएंगे कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, तो हमें ठीक तो लगेगा, अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि हम बाहर की दुनिया से हट गए हैं, हमारा ध्यान और एक ही बात पर हमारा फोकस हो गया है। लेकिन देखिए बाबा भी सिर्फ ये वर्ड नहीं कहते कि आप तीव्र पुरुषार्थी हो, नहीं, बाबा क्या कहते हैं आज की मुरली में, क्या कहा बाबा ने कि श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण के आधार पर तीव्र पुरुषार्थ करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अर्थात मीनिंग आप समझिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है। संपूर्ण बनना हमारा लक्ष्य है, संपूर्ण फरिश्ता बनना हमारा लक्ष्य है, देवता बनना हमारा लक्ष्य है, और फिर श्रेष्ठ लक्षण, लक्ष्य श्रेष्ठ है, हमें देवता बनना है, तो फिर कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये स्वमान में स्थित आत्मा है। तो जो भी दिव्य गुण है वो सब मुझ में है, मुझ में देवत्व है, दैवी गुणों से मैं भरपूर हूं। तो कौन कौन से दैवी गुणों से भरपूर हूं? मेरे बोल, मेरा व्यवहार, मेरे कर्म, मेरी दृष्टि, मेरा चेहरा, मेरी चलन, क्या देवताओं समान है? अगर नहीं है तो मुझे क्या क्या एफर्ट्स लेने हैं? देवताएं और मैं उसमें अभी तक क्या क्या डिफरेंस बचा है, इस पर हमें मनन करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर हम मनन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, तो उस स्वमान के स्वरूप धीरे धीरे बनते जाए। ये था तीव्र पुरुषार्थी हूं, ये बाबा ने याद प्यार में कहा है वो। फिर सेकंड है कि आप पुरुषोत्तम आत्मा हो। तो आज के लिए बाबा ने पुरुषोत्तम आत्मा के क्या लक्षण या क्या व्याख्या बताई है? तो बोल में, अर्थात हाँ
आपके बोल में समय और संयम दिखे। तो आपके बोल को समय और संयम में रखने वाले आप पुरुषोत्तम आत्माओं को, इसका अर्थ यह है कि हम जो हमारे बोल जो है वो टाइम में वेस्ट न करें, फालतू बातों में बातें करने में अपना टाइम वेस्ट न करने वाले, और हर बात करते हुए संयम दिखे, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्मा हो, पुरुषोत्तम आत्मा। फिर नेक्स्ट जो बाबा ने कहा है कि आप बेफिक्र बादशाह हो। तो बेफिक्र बादशाह कैसे? तो मौज में रहने वाले, हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाह और नॉलेजफुल आत्मा। वो कैसे? कि महावीर बन माया के सभी वीरों जो रूपों को पहचानने वाले, जानने वाले नॉलेजफुल आत्मा हो। देखिए बाबा भी हमें जब स्वमान देते हैं या फिर वरदान देते हैं तो अर्थ के साथ देते हैं, पूरा समझा कर देते हैं। तो हम जब वो स्वमान ले तब उस अर्थ के साथ, उस अर्थ को समझकर उस स्वमान में स्थित रहे, उस स्वमान पर मनन करें, विचार सागर मंथन करें, तब ही हम उस स्वमान में स्थित हो सकते हैं और हम स्वमान का स्वरूप बन सकते हैं। देखिए अपने यज्ञ हिस्ट्री में भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है वेदांत विधि का। आप सभी ने नाम भी सुना होगा कि जो अफ्रीका जोन है उसके दीदी इंचार्ज है। तो दीदी पहले बॉम्बे में थे तो उनका अनुभव एक्चुअली मैंने सुना है। तो बाबा कहते हैं ना कि आप विश्व सेवाधारी हो, आप विश्व कल्याणकारी हो। तो दीदी को लगता था कि बाबा मैं तो एक जगह पे बैठी हूँ तो मैं कैसे विश्व की सेवा करूँ, और मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती तो मैं कैसे विश्व की सेवा कर सकती हूँ, मैं कैसे क्या विश्व सेवाधारी हूँ। तो बाबा के डायरेक्शन अनुसार जो बाबा बताते हैं मुरलियों में बताते हैं कि आपको एक जगह पर बैठकर आप मनसा सेवा द्वारा विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो दीदी रोज पूरे विश्व की आत्माओं को, है ना, अनेक अनेक कंट्रीज की आत्माओं को इमर्ज करते थे, उनका आवाहन करते थे और उन्हें सकाश देते थे, उन्हें बाबा का संदेश दिया करते थे। देखिए कुछ ही दिनों में क्या हुआ कि उन्हें अफ्रीका की सेवा की ऑफर आई और फिर दीदी वहां अफ्रीका गए और फिर वहां पे इतना सेवा का विस्तार हुआ कि अभी बहुत सारी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में सेंटर्स है और दीदी को बहुत सारे इंग्लिश हैंड्स भी मिल गए हैं और दीदी पूरी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है। तो हम ये ना समझे कि बाबा ने जो कहा है वो मेरे लिए नहीं है, नहीं, वो मेरे लिए है, उसके ऊपर फिर हमें एफर्ट्स लेने। फिर नेक्स्ट है कि हम फिर कैसे कॉन्स्टेंटली निरंतर उस स्वमान में स्थित रहे। देखिए एक ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि हमारा पुराना संस्कार है भूलने का। 63 जन्म जो भी द्वापर और कलयुग के जन्म है हमारे, सबसे पहले हम स्वयं को भूले, बाबा को भूले और फिर हमारे जो गुण है, शक्तियां है, उनको भी भूल गए। तो देखिए हमने स्वमान को स्वीकार किया, उसके ऊपर मनन किया, विचार सागर मंथन किया, कुछ समय तक हम उस स्वमान के नशे में स्थित रहे, लेकिन क्या होता है फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें बीच बीच में स्वयं ही स्वयं को स्मृति दिलानी है कि मैं वो हूँ, मैं वो वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ जो कल पहले वाले थी, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ। जो भी स्वमान की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप बीच बीच में उसे खुद को आप स्मृति
दिलाते रहे, तभी हम स्वमान में निरंतर स्थित हो सकते हैं। जो बात हम बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, वो आप बुरी कहो बात या फिर अच्छी बात कहो, वही हमारी हैबिट बन जाती है। जो हम संस्कारों के वश हुए हैं अभी, है ना, जो पुराने संस्कारों के वश हुए हैं, विकारों के वश है कुछ हद तक, वो क्यों है? क्योंकि हमने ये चीज बार बार की है अनेक जन्मों से, 63 जन्मों से, 2500 साल से हम एक ही चीज बार बार कर रहे हैं। तो हमें अगर अभी स्वमान का स्वरूप बनना है, स्वमानधारी बनना है, तो हमें उस स्वमान को रिपीटेडली बीच बीच में हमें स्मृति में लाना होगा, उस नशे में स्थित होना होगा। और फिर देखिए, अभी 4-5 टर्न पहले, ऑलमोस्ट लास्ट मंथ की बात है, कि एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने बताया था कि स्वमानों की माला आपको जपनी है, आपको स्वमानों की माला घुमानी है। तो देखिए, जैसे सुचित भाई ने भी कहा और रोहित भाई ने भी कहा कि एक ही स्वमान को स्मृति में लाना, तो कई बच्चे कहते हैं कि ये तो हठयोग है, तो क्या ये हठयोग है? देखिए, अगर हम सिर्फ एक ही रट लगाएंगे बिना समझे, तो कुछ हद तक ये हठयोग हो सकता है, कुछ हद तक। अगर हम टाइटल का भी याद करते हैं ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो उसमें बाबा की भी याद है और स्वयं की भी याद है कि मैं आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं सर्वशक्तियों से भरपूर हूं, ये एक बात। लेकिन सेकंड बात है कि उसके विस्तार में जाना, ये दूसरी बात। तो जब हम स्वमानों की माला जपते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे ऋषि एक माला जपता है, तो वैसे ही हम भी अलग अलग स्वमान लेकर माला जप सकते हैं। तो आज की जो मुरली है, उसमें जो आज की मेरी कमेंट्री है, उसमें 35 जो स्वमान है उसकी माला मैंने बनाई है। तो अगर ये भी एक तरीका है, ये बाबा ने ही खुद बोला है मुरलियों में। लेकिन हाँ, लिखना ये योग्य है कि नहीं है, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। देखिए, बाबा को याद करने के या फिर स्वमान में स्थित होने के अनेक तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई आत्मा एकाग्र नहीं हो पाती है बिना लिखे, और उसके लिए वो लिखती है, तो अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट उसका फोकस उसके ऊपर है। अगर वो नहीं लिखेगी, तो वो स्वमान में, उस स्वमान पर एकाग्र नहीं हो पाएगी, वो बाबा की याद में एकाग्र नहीं हो पाएगी, हो सकता है ये। तो ये एक तरीका है लिखने का। लेकिन हम सिर्फ जो एक ही रट लगाए, है ना, वैसे ना करें हम, बस हम स्वमानों की माला भी जप रहे हैं, तो भी उस स्वमान के अर्थ को समझकर उसको स्मरण करें, उसका स्मरण करें, तो फिर उसका इफेक्ट हम पर जरूर आएगा, तो हम उस स्वमान में स्थित हो जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर हम कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट में भी हम एक स्वमान लेते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, ऐसे कई लोग एक्चुअली कॉमेंट्रीज भी बनाते हैं कि 108 बार स्वमानों का जपना या फिर लिखना। देखिए, इससे में क्या होता है कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बाहर की दुनिया से हमारा ध्यान हट गया है और हम एक बात पर कॉन्सेंट्रेट हुए हैं। ऐसे दुनिया में भी जो गुरु है वो बताते हैं कि आपको गणपति का नाम जो है वो 108 बार लिखना है। तो क्या होता है कि आप जब लिखते हैं तो आपका फोकस उस कार्य पे होता है, तो जो आपको डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, जिससे आपका मन डिस्टर्ब है, उससे हमारा मन हट जाता है और हमें अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगना और अनुभूति होना, इसमें डिफरेंस है। जैसे आजकल हम किसी भी आत्मा को ज्ञान देते हैं तो उसे अच्छा लगता है,
मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि 15-20 सालों से जिसे भी ज्ञान सुनाया है सभी को अच्छा लगा, लेकिन कई आत्माओं को सिर्फ अच्छा ही लगता है, उसके आगे वो नहीं बढ़ते हैं, वो बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं, वो सेंटर पे नहीं आते हैं, वो रोज मुरली नहीं सुनते हैं और योग नहीं करते हैं, तो उन्हें उस योग की अनुभूति नहीं होगी, उन्हें परमात्मा के प्यार की अनुभूति नहीं होगी, उन्हें अतींद्रिय सुख क्या होता है उसकी अनुभूति उन्हें नहीं हो पाएगी, उन्हें अच्छा लगता है सिद्ध ज्ञान सुनना। वैसा ही अगर हम एक ही स्वमान की अगर रट लगाते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन हम उस स्वमान के जो नशा है वो अनुभव नहीं कर पाएंगे, या फिर उतने इंटेंसिटी से नहीं कर पाएंगे, या कह सकते हैं कि जितना हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बात के लिए उसका आउटपुट आपका कम आएगा। अगर आप अर्थ के साथ नहीं करेंगे तो, विचार सागर मंथन करके नहीं करेंगे तो हमें स्वमानों की माला भी जपनी है लेकिन अर्थ के साथ जपनी। तो यह हो गया कि कैसे हम स्वमान के नशे में स्थित हो सकते हैं, स्वमान का हम स्वरूप हम कैसे बन सकते हैं। फिर अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम स्वमानधारी बन ही जाएंगे, स्वमान का स्वरूप हम बन ही जाएंगे। तो स्वमानधारी आत्मा के फिर क्या क्या लक्षण होंगे, कि कैसे कहे कि मैं स्वमान का स्वरूप बन गया हूं, या फिर सामने वाली आत्मा स्वमान का स्वरूप बन गई है, स्वमानधारी बन गई है। तो बाबा कहते हैं कि जो आत्मा स्वमानधारी होती है वो निर्माण होती है, उससे किसी भी चीज का अभिमान नहीं होता, वो निर्माण निरहंकारी है, किसी भी बात का अभिमान नहीं, ना देह का कि मैं इतना हैंडसम हूं, मेरी हाइट ऐसी है, मैं दिखता ऐसा हूं, देह का भी नहीं, देह का अभिमान नहीं होगा, जो हमारी पोजीशन है, पोस्ट है, स्टेटस है, उसका अभिमान नहीं होगा, उसे 1% भी अभी उसे अभिमान नहीं होगा, अपनी विशेषता का कि मुझ में ये विशेषता है, मुझ में ये हुनर है, मैं ये चीज अच्छा कर सकता हूं, बाकी कोई भी ये नहीं कर सकता, मुझ में ये गुण है, मैं ही ये सेवा कर सकता हूं, बाबा मेरे द्वारा ही करा रहे हैं ये सेवा। तो इन सभी बातों का जो अभिमान है उस स्वमानधारी आत्मा को नहीं होगा। तो जो आत्मा स्वमानधारी है उसे कभी भी अभिमान नहीं होगा, और ऐसी आत्मा हरेक को मान देगी, किसी का भी वो अपमान नहीं करेगी। देखिए जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं तो हमारी इंटरेक्शन बहुत सी आत्माओं से होती है, तो कोई सामने वाली आत्मा ईर्ष्या करने वाली है, हमें नीचा दिखाने वाली है, द्वेष करने वाली है, अवगुणी आत्मा है, परवश है, कैसी भी आत्मा हो वो एक ही नजर से देखेगा। जैसे बाबा हम सभी बच्चों को, कैसी भी आत्मा हो, कोई पापी हो, कोई अवगुणी हो, पुण्यात्मा हो, गुणी आत्मा हो, सब बाबा के लिए समान है ना, बाबा के सब बच्चे हैं, तो एक ही नजर से बाबा सबको देखते हैं। वैसे हम भी हर आत्मा को एक ही नजर से देखेंगे अगर हम स्वमानधारी बनते हैं तो, वो कभी भी किसी का अपमान नहीं करेंगे और उन्हें अपमान की फीलिंग भी नहीं आएगी। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो स्वमानधारी आत्मा को अपमान की फीलिंग भी नहीं आएगी। देखिए कैसा होता है कि अगर कोई हमारा कुछ हमें कोई बोल देता है हमें तुरंत अपमान महसूस होता है, तो जो आत्मा स्वमान के ऊंचे स्थान पर है, ऊंचे आसन पर बैठी है, उसे अपमान की फीलिंग ही नहीं आएगी। शास्त्रों में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि हनुमान जी जो स्वमानधारी थे, जिन्हें ये शुद्ध अभिमान था कि मैं राम का संदेशवाहक हूं, वो जब
रावण के राज्य में गए तो सीता जी के लिए वो संदेश लेके गए राम का। तो जब वो राम के सॉरी रावण के दरबार में पहुंचे तब उन्हें कोई भी आसन ऑफर नहीं किया गया है ना, कोई भी सीट उन्हें ऑफर नहीं की गई उनका अपमान करने के लिए। तो क्या उन्होंने अपमान फील किया? नहीं। हिस्ट्री में है ना, शास्त्र में क्या लिखा है कि उन्होंने अपनी पूंछ की है ना सीट बनाई या फिर आसन बनाया, सिंहासन बनाया जो रावण से भी ऊंचा था, रावण के सिंहासन से भी ऊंचा सिंहासन उन्होंने बनाया और वो मीन्स अपमान से परे थे, उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आई। तो ये किसका गायन है? ये हम बच्चों का ही यादगार है। तो ये फिजिकल आसन बनाने की बात नहीं है, ये इतने ऊंचे स्वाभिमान में हम रहे कि कोई कुछ भी कहे है ना, कोई कुछ भी करे हमें अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। तो स्वमान का शास्त्रों में बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हनुमान जी की, जो उनको ये स्वमान था कि मैं राम का संदेशवाहक हूं, मैं स्वयं भगवान का संदेश लेकर आया हूं, और फिर उनको कभी भी अपमान की फीलिंग भी नहीं आई और उतने ही वो निर्माण भी थे। जो आत्मा स्वमान में होती है वो निर्माण होती है। उन्हें कैसा दिखाते हैं राम के सामने झुका हुआ कि मैं राम का आज्ञाकारी सेवक हूं, राइट? तो ये शास्त्रों में भी लिखा गया है हनुमान जी के बारे में। लेकिन अगर हम इस साकार दुनिया की भी बात ले अभी की, तो कौन सामने आता है हमारे? तो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा का जो साकार जीवन हम देखे कि वो बहुत बड़े ज्वेलर थे, राजाओं के दरबार में जाया करते थे, तो उनके चाल चलन व्यवहार बोल ऐसे थे कि राजा एक ऐसे कहते थे कि लखीराज बाबू आप राज चाहिए थे, आपको राजा बनाना चाहिए था, भगवान से गलती हो गई कि हमें बना दिया, आपको बनाना चाहिए था। तो बाबा स्वमान में रहते थे, वहां का जो कोई भी चीज हो खाने पीने की वो स्वीकार नहीं करते थे, वो अपने ही स्वमान में रहते थे और कभी भी उन्होंने अपमान की फीलिंग बाबा को नहीं आई। देखिए अभी हमें अगर कोई बात है कोई कहता है तो हम कहते हैं उसे कि आपको ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी, आप ऐसे भी तो कह सकते थे। लेकिन वो कंट्रोल हमारे में नहीं, हमारे पास नहीं है ना, उस आत्मा के पास कंट्रोल है कि उसको क्या कहना है। या फिर अगर कोई चार लोगों में हमें कुछ कहता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई अकेले में कह देते थे, चार लोगों में कहने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन देखिए ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल सामने हम अगर रखते हैं कि बाबा को ये स्वमान था कि मैं स्वयं भगवान का कार्य कर रहा हूं, मैं मेरा जो शरीर है ये स्वयं भगवान का रथ है, और बाबा को ये नशा था कि मैं भविष्य में नारायण बनने वाला हूं। तो बाबा हमेशा नारायणी नशा में रहते थे और बाबा को कभी अपमान की भी फीलिंग नहीं आई। हम सुनते हैं ना कि बाबा के बारे में क्या क्या लिखा गया है ना, क्या क्या बोला गया, धरने भी दिए गए है ना, पेपर में भी आया, भारत के भी और विदेश के भी है ना, कुछ कुछ जो बातें हैं ऐसी वैसी बातें ये अमेरिका के पेपर में भी छप के आई, तो भी बाबा को अपमान की फीलिंग नहीं आई। तो ये है स्वमानधारी आत्मा का बेस्ट एग्जाम्पल, ये लक्षण है स्वमानधारी आत्मा का कि उसे कुछ भी हो जाए उसे अपमान की फीलिंग नहीं आई। और बाबा कितने निर्माण भी थे कि हमेशा बच्चों को आगे रखते थे, स्वयं पीछे रहे और बहनों के आगे किया। तो ये सब जो लक्षण है वो है स्वमानधारी आत्मा के लक्षण, कि जो आत्मा स्वमान में रहती है वो हरेक को मान देती है, किसी का अपमान नहीं करती, उसको अपमान की फीलिंग भी नहीं आती, वो हरेक को सम्मान देती है, सम्मान की नजरों से ही देखती है। देखिए
फिर अगर हम में ये स्वमान के लक्षण अगर दिखाई देते हैं सब पूरी तरह से 100%, तो ही हम स्वमान के स्वरूप बने हैं ये हमें पता पड़ता है। तो अगर हम स्वमानधारी बनते हैं तो फिर हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो एक तो है कि जो आत्मा स्वमानधारी होती है उसका कोई भी अपमान नहीं कर सकता। ये हमारे फायदे की बात है ना, क्योंकि जो स्वमानधारी आत्मा है उसका देह भान नष्ट हो जाता है, देह अभिमान नष्ट हो जाता है। तो जिस आत्मा का देह भान देह अभिमान नष्ट हुआ हो उसको उसका कोई अपमान कर सकेगा? कोई नहीं अपमान कर सकता उसका। तो सबसे पहली बात है कि हम देह भान और देह अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। और देखिए, और एक बात है कि हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे विघ्न आते हैं। मेजॉरिटी जो विघ्न आते हैं वो देह अभिमान देह भान के कारण ही आते हैं। जो संस्कारों का टकराव है, जो रिलेशनशिप में जो आजकल तनाव है, उसका कारण क्या है? देह भान और देह अभिमान। अगर वो मिट जाए तो फिर ऑटोमेटिकली हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं, हम विघ्नों को समाप्त कर देते हैं। एक तो बात है कि हम ये जो देह अभिमान और देह भान के कारण आने वाले विघ्न टकराव स्ट्रेन है ये बात, और दूसरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल परिस्थितियां समस्याएं। तो अगर कोई आत्मा स्वमान के आसन पर स्थित है अर्थात ऊंची स्टेज पर है तो उसे इन सब बातों का इफेक्ट नहीं आता उस आत्मा पर, इससे परे रहती है। जो आत्मा ऊंच स्टेज पर है तो उन्हें जो नीचे की बातें हैं वो बहुत छोटी दिखने लगती है। तो हमें भी अगर हम स्वमान के आसन पर है ऊंची स्टेज पर है तो हमें बड़ी बात ही हो वो छोटी लगने लगे। तो हम जो समस्याएं है परिस्थितियां है वो तो आएगी जीवन में, जब तक ये जीवन है वो समस्याएं परिस्थितियां आने ही वाली है, लेकिन हमें वो बहुत ही छोटी महसूस होगी, सुली से काटा बन जाएगी, हमें बिल्कुल माइन्यूट वो अनुभव होगी अगर हम स्वमान की ऊंची स्टेज पर स्थित रहते हैं तो। और अगर हम निरंतर स्वमान के स्वरूप में स्थित रहते हैं तो व्यर्थ भी खत्म हो जाता है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है, हमारे पास समय ही नहीं है ना। व्यर्थ कब आता है? कि आपका माइंड जब खाली है तब वो व्यर्थ की बातें आती है। अगर आप स्वमान की स्मृति में निरंतर रहते हैं तो व्यर्थ आपका खत्म हो जाएगा, व्यर्थ के लिए आपके माइंड में जगह नहीं बचेगी, आपकी जो वीकनेस है वो भी खत्म हो जाएगी। और जो आत्मा स्वमान में रहती है औरों को सम्मान देती है उसे ऑटोमेटिकली सम्मान सबसे मिल जाता है। देखिए, एक बाबा कहते हैं कि एक अनादि नियम है कि जो आत्मा मान का त्याग करती है और औरों को मान देती है उसे मान सम्मान ऑटोमेटिकली मिल जाता है, स्वतः मिल जाता है। तो अगर हम इस संगम युग पर स्वमान में स्थित रहते हैं तो हमें इस संगम युग पर तो स्वमान जो सम्मान है वो मिल ही जाता है, लेकिन सारे कल्प में हम सम्मान के पात्र बन जाते हैं। देखिए, अभी तो बाबा तो हमें सम्मान देते ही है ना, बाबा ने कितना हमारा सम्मान करते हैं, कितनी हमारी महिमा करते हैं, लेकिन जो दुनिया की आत्माएं हैं या फिर देहधारी है व्यक्ति है वो भले ब्राह्मण परिवार की हो या फिर लौकिक दुनिया वालों हो, उनके द्वारा भी हमें सम्मान मिलता है इस संगम युग पर भी। जो आत्मा स्वमान में स्थित रहेगी तो ब्राह्मण आत्माएं हैं
उनकी नजर में भी वो ऊंची हो जाएगी। वो कहेंगे कि ये ज्ञानी तु आत्मा है, योगी तु आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये बाबा के एकदम करीबी आत्मा है। तो आपको वो भी ऊंची नजर से देखेंगे, आपको सम्मान देंगे। और देखिए जो बाहर वाले हैं ना, दुनिया की आत्माएं हैं, वो भी आपको सम्मान देंगे। क्योंकि जो पहले वाली बात थी, जो पहले जो जब ये यज्ञ शुरू हुआ तब की बात और थी, बहुत लोगों ने गालियां भी खाई, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो ब्रह्म कुमारीज को, जो बीकेस है, उन्हें ऊंची नजर से देखा जाता है। ये श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये पवित्र आत्माएं हैं, ये सिर्फ शुद्ध भोजन ही स्वीकार करते हैं, शुद्ध विचार करते भी हैं, और पूरे संसार में अच्छे विचार स्प्रेड करते हैं, समाज उत्थान का काम करते हैं। तो हमें ऊंची नजर से देखते हैं सब। हमें देखा है कि कैसे महामंडलेश्वर भी या फिर बड़े बड़े साधु संत भी दादियों को रिस्पेक्ट देते थे या अभी भी देते हैं। तो हमें सबसे सम्मान अब भी मिलता है, और फिर भविष्य में भी हमें, हम अब अगर हम सम्मान के तख्त पर, सिंहासन पर बैठते हैं, तो हमें भविष्य में भी सिंहासन अर्थात राजा ही प्राप्त होती है। भविष्य तख्त हमें प्राप्त होता है, पर अगर हम राजा बनेंगे तो हमें प्रजा द्वारा, अगर हम रॉयल फैमिली में आएंगे तो हमारा जो रॉयल जो परिवार होगा उनसे भी, और जो प्रजा है उनसे भी हमें सम्मान प्राप्त होता है। और फिर द्वापर में तो हम इष्ट देव होते हैं लोगों के, भक्तों के, तो कितने भक्त हमारी महिमा करते हैं, हमें सम्मान पूर्वक हमारी आरती उतारते हैं, फूल मलाए हमें चढ़ाते हैं, महिमा के गीत गाते हैं, तो कितना सम्मान हमें मिलता है भक्तों द्वारा भी। और अभी भी संघ युग में फिर वापस हम देखते हैं कि शक्ति रूप में भी देखते हैं हमें, है ना, ये शिव शक्तियां है, इस रूप में भी देखते हैं। तो देखिए पूरे कल्प में हमें सम्मान प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम, बाबा कहते हैं कि अगर आप एक भी सम्मान ले, जो बाबा की एक महिमा है वही हमारे सम्मान है, तो अगर हम उस एक महिमा में को भी ले, उसको भी अपना सम्मान बनाए, तो भी आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। और बाबा ने तो हमें कितने अनगिनत सम्मान दिए हैं, तो सिर्फ एक की बात नहीं है, अनगिनत दी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक भी सम्मान में स्थित हो जाते हो आप, तो भी आपको बहुत सी प्राप्तियां हो जाती है। तो देखिए सम्मान का कितना महत्व है। तो जैसे मैंने कहा कि हम उस सम्मान का अर्थ समझे और उस सम्मान के स्वरूप में स्थित हो जाए, तो वो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं अभी भी मेडिटेशन द्वारा, अगर समय हो तो। अभी 9:30 हुए हैं, तो जैसे सुशील भाई जी ने कहा कि 5-10 मिनट और आप ले सकते हो, तो हम, अगर टाइम है तो हम एक सम्मान लेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और उस सम्मान का स्वरूप बनने का अभ्यास करेंगे। जी भाई जी, समय है अपने पास आज, तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। आप सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हो भाई जी, स्पाइन स्ट्रेट, मन बुद्धि एकाग्र, अपने बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र द्वारा स्वयं को देखें। मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं एक ज्योति बिंदु हूं,
सुप्रीम ज्योति बिंदु, सुप्रीम फादर शिव परमात्मा की मैं अति प्रिय संतान हूं। मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। जैसे शिव बाबा ज्योति बिंदु है, वैसे मैं भी ज्योति बिंदु हूं। शिव अर्थात बिंदु शिव अर्थात बीज, शिव अर्थात कल्याणकारी, जैसे बाबा ज्योति बिंदु है वैसे मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु हूं। जैसे बाबा इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज है, वैसे मैं भी मास्टर बीज रूप हूं। जैसे बाबा में पूरे सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है, वैसे मैं मास्टर बीज रूप आत्मा भी नॉलेज हूं। जैसे बाबा कल्याणकारी है, बाबा की सर्वात्माओं प्रति कल्याण की भावना है, सबको ऊंचा उठाने की भावना है, वैसे कुछ आत्मा की भी सर्वात्मा कल्याण की भावना है। सबको ऊंचा उठाने की भावना है। चाहे कोई आत्मा कितनी भी ओगुनी क्यों ना हो, कितनी भी पापी क्यों ना हो, हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना, विश्व की सभी आत्माएं मेरे आत्मा भाई है, सभी आत्माएं शिव साक्षी है, मैं मास्टर रचयिता हूं।
विश्व की सर्व आत्माओं प्रति मेरी कल्याण की भावना है। देखेंगे अपना विश्व कल्याणकारी स्वरूप। मेरे बुद्धि रूपी हाथ में विश्व का ग्लोब है। मैं देख रहा हूं विश्व की सर्व आत्माओं को। जो दुखी है, अशांत है, रोगी है, परेशान है, विश्व की सभी आत्माएं पांच विकार रूपी रावण के जेल में है। मुझे इन सर्व आत्माओं को दुख, अशांति, परेशानियों से मुक्त करना है। रावण की जंजीरों से मुक्त करना है। अनुभव करेंगे परम धाम निवासी ज्ञान सूर्य शिव बाबा से लाइट माइट की किरणें मुझ पर आ रही है। और मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य द्वारा विश्व के कोने कोने तक फैल रही है। जैसे कोई भी व्यक्ति सूर्य की किरणों के नीचे आता है तो उसे सूर्य की किरणें स्वतः ही मिल जाती है, वैसे मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं पर पड़ रही है। लाइट माइट की किरणों से सर्व आत्माओं को अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो रही है। सभी आत्माएं दुख, अशांति और परेशानियों से मुक्त हो रही है। विकारों के जंजीरों से
मुक्त हो रही है। मुझ विश्व कल्याणकारी आत्मा को, सर्वात्माओं से विवाही प्राप्त हो रही है। मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हैंडेज किए जा रहे हैं और शायद सभी को प्रश्न पूछने हैं, तो अभी हम उनको असंतुष्ट नहीं रखेंगे, तो जरूर उनको एक दो प्रश्न पूछने का चांस देंगे अगर भाई जी के पास समय है तो। हाँ जी जरूर। हाँ, हमारे रात्रि क्लास में रात्रि को जाग सकते हैं 5-10 मिनट। गीता माता जी, आपको कुछ प्रश्न है? गीता माता ओम शांति भाई जी। जी मेरा प्रश्न है कि मशरूम का सब्जी मतलब नॉन वेज है या वेज है, उसको खाना चाहिए ज्ञान में आने के बाद या नहीं खाना चाहिए? ओके, तो एक्चुअली कैसा है ना, मशरूम जो है ना वो नॉन वेज फूड में नहीं आता है। मशरूम एक वेजिटेरियन फूड है, राइट? तो उसमें प्रोटीन्स की मात्रा अच्छी होती है, तो जिनको अगर खाना है वो आप जरूर खा सकते हैं। वो डाइजेशन के लिए थोड़ा सा हेवी हो सकता है, वो बाकी जो हमारे वेजिटेबल होते हैं उतना वो इजी नहीं होता उसका डाइजेशन, लेकिन उससे प्रोटीन्स मिलते हैं और कोई आत्मा खाना चाहे तो वो जरूर खा सकते हैं मशरूम। एक आप समझ लीजिए, एज अ डॉक्टर भी आपको बोल रहा हूं मैं कि हम पेशेंट को ये बातें बोलते हैं, है ना। पेशेंट को सपोज एक किडनी स्पेशलिस्ट है, वो क्या कहते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, तो वह सामने वाले व्यक्ति पूछते हैं कि फिर अंडा? तो बोलते नहीं, आप जमीन में जो उगता है वो खाना है आपको, तो मशरूम तो जमीन में उगता है तो जरूर वो वेजिटेरियन है, तो इसके लिए आप वो खा सकते हैं। जी धन्यवाद भाई जी। मंजूर भाई जी है, मंजूर भाई जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी ओम शांति भाई। ओम शांति। सबसे पहले मैं आप बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपका काफी कुछ नई चीजें सीखी आज, इसलिए आपका शुक्रिया। और मैं यहाँ कश्मीर में रहता हूँ, तो यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है, यहाँ पे कोई हमारा मतलब ऑलमोस्ट जितने को भी मैं जानता हूँ यहाँ पे कोई ज्ञान में नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल ही नया चीज है यहाँ पे मेरे लिए, और एक ऐसा चीज है जिसको सिर्फ मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए कि मुझे जो संगठन की कभी मतलब जरूरत पड़ती है या कभी शौक पड़ता है कि मेरा भी कोई संगठन हो यहाँ पे, या यहाँ पे एक सेंटर हो, या कभी कभी मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि सारे लोग मुझे यहाँ पे वाइट कपड़ों में दिखे, जिस तरह होता है मैंने मधुबन में देखा है, तो ऐसा क्या मैं मतलब सामान ले लूं जिससे मुझे ये कमी महसूस ना हो जाए कभी कि यहाँ पे मेरा संगठन नहीं है या सेंटर नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, जब लोगों के साथ हम काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कोई शख्स ऐसा होता है जिसको सभी मतलब रेस्पेक्ट देते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा मतलब मन में आता है कि हमें भी लोग रेस्पेक्ट करें। ऐसा क्या सामान रखे हम अपने पास जिससे हमें ये चीज कभी जहन में ना आए, हमें ये जहन में ना आए कि लोग हमारे भी रेस्पेक्ट करें? बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरा क्वेश्चन है। एक्चुअली हम कश्मीर में आके गए हैं,
तो आप कौन से सिटी में रहते हैं मुझे नहीं पता। श्रीनगर, श्रीनगर हाँ जी, श्रीनगर। जी। अच्छा, श्रीनगर के सेंटर पे एक्चुअली हम आके गए हैं एक बार, तभी तो सेंटर था। नहीं, आज नहीं है, आजकल नहीं है, अच्छा, शायद आजकल पहले नहीं है। तो फिर वो बंद हो गया है, मेरे ज्ञान में आने से पहले ही बंद हो चुका है कहीं साहब। अच्छा, ओके ओके। तो देखिए कैसा है कि अगर आपको है ना संगठन की कमी महसूस होती है ना, तो आप खुद से ऐसी सेवा करें है ना। एक फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि जो फॉरेन के मैंने कुछ भाइयों का मैंने अनुभव सुना है और मिला भी हूँ उनको मैं, तो वो जानबूझकर अपनी ट्रांसफर ऐसी जगह वो करवा लेते हैं कि वहां सेवा हो सके। वो स्टेबल लाइफ छोड़ के, जहां सेंटर है वो छोड़ के जानबूझकर वो ऐसे जॉब चेंज करते हैं कि जहां सेंटर नहीं है, जहां बिल्कुल भी सेवा नहीं है, और वो खुद वहां सेवा शुरू करते हैं, कोई ना कोई माध्यम से बाबा का परिचय देते हैं। तो देखिए, अगर विश्व के कोने में, एक कोने में भी कोई सेवा शुरू कर सकता है जहां बिल्कुल ज्ञान का गंध नहीं है ना, बिल्कुल ज्ञान का है ना एबीसीडी भी पता नहीं है, ऐसी जी जगह पे हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं है ना, कश्मीर की में क्यों नहीं। तो सबसे पहली बात है कि आप खुद से शुरू करें कि मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं, मुझे भगवान का, ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का मुझे मैसेज देना है, कि मुझे सही मैसेज उन तक पहुंचाना है। अगर आप शुद्ध भावना से अगर ये मैसेज देते हैं तो जरूर आपका आप सफल हो जाएंगे उसमें। मैं जो हॉस्पिटल में काम करता हूँ, देखिए वहां पे जो हमारे साथ एक सेंटर हेड रहे थे 4-5 साल पहले है ना, वो भी एक्चुअली मुस्लिम थे, तो उनको मैंने ज्ञान दिया, तो उनको इतना अच्छा लगा ये ज्ञान कि वो कहते थे कि अल्लाह जो है, जो आप सोचते थे भैया वो भी हम ही है ना, हम सोचते ऐसे वो कहा करते थे कि जैसे अल्लाह इज फॉर्मलेस, वो बिल्कुल निराकार है, वो प्रकाश स्वरूप है, तो हम भी वैसे ही मानते हैं कि खुदा नूर है, वो फॉर्मलेस है, वो निराकार है। तो एक नजदीकी आ गई थी हमें ना, तो कोई भी व्यक्ति जो है, आप अगर बाबा का सत्य ज्ञान यथार्थ रीति से, मीन्स व्यक्ति देखकर, वायुमंडल देखकर और समय देखकर आप देते हैं किसी को भी, तो जरूर उस आत्मा को ज्ञान है ना क्लिक होता है और आपका मैसेज उस तक पहुंचता है, और जरूर आपकी सेवा बढ़ेगी। और मैं तो आपको कहूंगा कि आप भी खुद एक सेंटर वहां शुरू कर सकेंगे, ये मेरी शुभ भावना है आपके प्रति। जैसे फॉरेन में होता है ना कि अपने घर में ही लोग शुरू करते हैं, या किसी स्थान पे वो खुद शुरू कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वहां पे बहने भी आएगी, हम जब थे तब तो बहने भी थी और भाई लोग भी थे, लेकिन फिर से वो शुरू हो सकता है। और सेकंड, आपने कहा कि किसी को अगर कोई सम्मान देता है, उनको ज्यादा देते हैं, तो हमको भी उतना मिलना चाहिए। तो देखिए, अगर हम ज्ञान और योग से भरपूर हो जाते हैं, तो हमारे में जो चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमें खुद से ऑटोमेटिकली लोगों से सम्मान मिलने लगता है। तो आप अगर ये भी अगर सम्मान ले ले कि मैं आई एम गॉड चाइल्ड, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं स्वयं ईश्वर का बच्चा हूँ ना। देखिए क्या होता है कि बाकी लोग क्या मानते हैं ना, कि भगवान को बहुत दूर का मानते हैं, कि भगवान मालिक है, हम बंदे हैं, भगवान ईश्वर है, हम चरणों के दास हैं। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा है कि आप मेरे बच्चे हो। तो बाप और बच्चे का कितना क्लोज रिलेशन है। तो मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मैं अल्लाह का बच्चा हूँ, आई एम गॉड चाइल्ड, आई एम गॉड मैसेंजर। अगर आप एक भी ये सम्मान ले ले तो भी आपको ऑटोमेटिकली सम्मान मिल जाएगा। देखिए, परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को लोग कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, और बाबा ने हमें उनसे भी ऊंचा बनाया। बाबा कहते हैं, मैं एक्चुअली एक बात सुमान के बारे में बोलना भूल गया था, जो अच्छा हुआ आपने याद दिलाई मुझे। बाबा तो हम जो हमें इतनी ऊंची नजर से देखते थे, बाबा कहते हैं कि आप भगवान के भी मालिक हो।
अर्थात जो भगवान में विशेषता नहीं है आप में, क्योंकि बाबा बहुत निर्माण है, निरंकारी है, बाबा ऑलमाइटी है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को आगे रखने के लिए बाबा ये कहते हैं कि मेरी जो प्रत्यक्षता है वो आपके द्वारा होनी है। सारे जगत के सामने जो बाबा की प्रत्यक्षता होगी वो आप बच्चों के द्वारा होगी, इसलिए आप मेरे से भी ऊंचे हो, आप मिस भगवान के बालक, सो भगवान के खजानों के मालिक, भगवान के मालिक हो। तो इतनी ऊंची नजर से हमें बाबा देखता है, तो उतनी ऊंची नजर से हम भी स्वयं को देखें कि मैं स्वयं भगवान को, गॉड को, अल्लाह को सारे विश्व के सामने प्रत्यक्ष करने वाला हूं, उनका सत्य स्वरूप मैं सामने लाने वाली आत्मा हूं। ऐसे स्वमान में अगर हम रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें धीरे धीरे जो बाबा को, अल्लाह को, भगवान को जो सम्मान मिलता है हमें भी मिलने लगेगा। शायद आपको आंसर मिल गया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, अभी ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि प्रश्न लिए हमने एक्स्ट्रा टाइम नहीं था फिर भी, और भाई जी ने बहुत सुंदर उत्तर दे करके समाधान किया, थैंक यू वेरी मच भाई जी। तो आज क्या, पहले तो रोहित भाई जी का थैंक यू और राजेश भाई जी का थैंक यू आपको धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद के बोल बताने के लिए। आदरणीय ब्रह्म कुमारी मंजू दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित है, आप ब्रह्म कुमारी नंदिनी लेआउट के इंचार्ज है, साथ ही में नंदिनी लेआउट से कनेक्टेड अनेक गीता पाठशाला और सेंटर के आप इंचार्ज हो, और पिछले 36 साल से आप ज्ञान में हो। तो दीदी आप अपने उद्गार सुनाए। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति भाई। मुझे बहुत खुशी हुआ कि आज समानों के बारे में आपने सभी भाई बहनों को सर्वगुण संपन्न बनाने के मार्ग पर लेके जाने के लिए इतना अच्छा महत्वपूर्ण समानों के बारे में जो बताया, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद समानों के क्लास सुनने के लिए। भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हो सके तो बारंबार आप इस क्लास में आ करके बीच बीच में क्लास करेंगे तो बहुत अच्छा है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा जी। तो दीदी जी जैसे बताया है कि आना है आपको, तो आप जरूर आना है क्योंकि आप आज का क्लास में बहुत सारा कवर हुआ, लेकिन जैसे लास्ट में आपने योगाभ्यास कराया तो प्रैक्टिकल अप्रोच का अगर हम फिर से क्लास रख सके तो जरूर रखेंगे, और ज्यादा शंका समाधान करेंगे और प्रैक्टिकल कैसे करना है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट सभी के लिए था, भाई जी एक यूथ मेडिकल विंग के अंडर नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेरा भारत स्वस्थ भारत आजादी के अमृत महोत्सव। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट लिया है जिसमें 75 प्रोग्राम्स करने हैं, कैंसर जागरूकता अभियान। इसमें खास करके आप ऐसे नॉन बीकेज जो भाई बहने हैं उनके लिए कैंसर जागरूकता का अभियान कर सकते हैं, कोई बड़ा हॉस्पिटल हो या फिर कोई ऐसा चैरिटी का संस्था हो या फिर कहीं पर भी आसपास आपके पास है तो आप जरूर मुझसे संपर्क करें, आप भाई जी से भी संपर्क कर सकते हैं, और दीदी जी हमको भी हो सके तो बेंगलोर में प्रोग्राम करना चाहिए। कैमरा इधर स्क्रीन पे अच्छा दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, तो हम आपको भेजेंगे दीदी जी आपको भी, और हो सके तो बेंगलोर में भी एक दो प्रोग्राम अगर हम रखेंगे बड़े बड़े जगह पे, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं भाई जी को। टोटल जी 75 प्रोग्राम्स ऐसे करने हैं, और आप में से जो अटेंड कर रहे हैं आप में से भी कोई लगता है ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन सेशंस किए जा सकते हैं जागृति के, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे कि अच्छा से वो प्लेटफॉर्म हो और अच्छे संख्या हो, अच्छा माना हजारों में नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन कम से कम 50-100-200 ऐसे तो हो, कम से कम 40-50 तो हो। तो ठीक है, इतना छोटा सा अनाउंसमेंट था, और जिनको जिनको रात्रि क्लास में जुड़ना है, जो पहली बार आज जुड़े हैं, और रात्रि क्लास के लिए ये जो नंबर है स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं
उसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, तो आप इन नंबर पे अपना नाम, स्थान और ज्ञान में कितने साल से चल रहे ये रिक्वेस्ट डालेंगे, तो आपको रात्रि का से जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद करेंगे सभी।